सो हेलो गाइस, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही चुका है वीडियो किस पे होने वाला है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कमेंट रिप्लाई वीडियो है, ठीक है। तो कुछ बंदों ने, दो तीन बंदों ने कमेंट किया कि भाई स्वीटन का जो ये वाला है 120 वाट 6 इंच में, ठीक है, तो उसका साउंड और 8 इंची का जो 120 वाट का स्पीकर है उसका कंपेरिजन वीडियो लेके आओ। तो देखो वीडियो आ गया, तो इसलिए कहता हूँ कि कमेंट करो किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है, उस पे भी वीडियो आएगा। और कुछ बंदों ने कमेंट किया कि YP का कंपनी का जो स्पीकर है उस पे भी वीडियो बनाओ। देखो वो कंपनी का जो स्पीकर है वो फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कलकत्ता की जो चांदनी मार्केट है वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, फिर बाई करके फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो कुछ दिन लेट आएगा लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई में आपके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो आएगा, ठीक है। तो कमेंट करो और बातचीत साइड में रख के वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं इन दोनों का चेसी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर। तो देखो दोनों का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, स्वीटन कंपनी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा देता है, देख सकते हो 8 इंची और 6 इंची, ठीक है। लेकिन दोनों के अगर कंपेरिजन की बात करूँ तो चेसी का क्वालिटी इसका बेहतर है, 6 इंची का चेसी का क्वालिटी इसका बेहतर है कंपेरिजन टू इसका, ठीक है, लेकिन दोनों का ही अच्छा है, ठीक है। अभी बात करते हैं पेपर की, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो पेपर है, ठीक है, तो देखो फिर से दोनों का पेपर का क्वालिटी ठीक है, लेकिन दोनों के कंपेरिजन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर उंगली से यहाँ से प्रेस करूँ तो ये देख सकते हो थोड़ा सा नरम है, लेकिन जो 6 इंची का पेपर का क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, ऐसे प्रेस करो तो ये उठता नहीं है, ठीक है। तो दोनों का क्वालिटी गुड है, लेकिन कंपेरिजन के मुकाबले में 6 इंची अच्छा है, ठीक है, 6 इंची का पेपर का क्वालिटी अच्छा है। दोनों का स्पाइडर की क्वालिटी का बात करें तो ये हार्ड है और इसका जो स्पाइडर है ये थोड़ा नरम है, ठीक है। नरम होने का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो ये फुल रेंज है, देखो यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है, ये से बूफर है, ये बूफर है और ये वाला सब बूफर है, ये लो फ्रिक्वेंसी बेस ज़्यादा निकलता है कंपेरिजन टू ये वाला, इसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रेबल मीड और लो बेस मिलता है, लेकिन इसमें लो बेस ज़्यादा मिलता है, मीड भी थोड़ा बहुत मिल जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं है, ट्रेबल इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो स्पाइडर है वो थोड़ा नरम दिया गया है, क्योंकि इसका जो जंप है, इसका जो जंप है इससे ज़्यादा होता है ये जंप। तो अभी साउंड की जो तेज है, जो साउंड आपको तेज किस पे मिलने वाला है, ऑब्वियसली बात ये 8 इंची का है, इस पे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू इसके, ठीक है। अभी बात करते कौन कौन सी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ प्रॉपर होता है। देखो आपके पास हॉल घर है, रूम बड़ा है, वो हॉल घर रूम होता है, उसके लिए ये बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा कवर ज़्यादा करता है, एरिया कवर ज़्यादा करता है। और आपके पास आप रूम में पर्सनल यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो, अगर कार के अंदर यूज़ करना है तो भी यही वाला यूज़ करो। देखो एरिया छोटा है, बेस आपको डीप बेस आपको ज़्यादा चाहिए तो ये वाला ले सकते हो, एरिया बड़ा है तो ये वाला ले सकते हो। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन सी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं प्राइस की, ठीक है, प्राइस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। देखो ये 850 का मिलता है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये 850 का मिलता है और ये मिलता है 550 का, देख सकते हो। ये 550 में आपका रूम अगर छोटा है, आप कार में यूज़ करना चाहते हो तो इस वाले स्पीकर के साथ आप जा सकते हो, इसका प्राइस भी कम रहता है इसके मुकाबले, और आपका कवरेज एरिया ज़्यादा है और आपको आवाज़ का जो तेज है वो ज़्यादा चाहिए, तो उस मामले में आप इसके साथ जा सकते हो। दोनों ही अपने अपने पोजीशन पे गुड प्रोडक्ट है और स्वीटन कंपनी है, क्या ही बताओ, आप लोगों को तो पता ही प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं वो। और अभी एंडिंग पे साउंड टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीके? और उसके बाद आउट्रो। चलो पहले 6 इंच में साउंड टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, ठीके? I'm
अभी ये 8 इंच में, आप लोगों ने देख लिया किसका साउंड कैसा है। तो मैंने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मीट ज़्यादा मिलता है और इसमें डीप बेस ज़्यादा मिलता है, और इसका जो पंच है, ठीक है, बेस का पंच वो ज़्यादा है कंपेयर टू इसका। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है इसका कंपेयर, हाँ मिलता है, डीप बेस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो, ठीक है, उसका भी वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, चलता हूँ दोस्तों, दुआ में याद रखना।